अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा मराठी का पीरियड है, तो आज हम कुछ और अक्षर का उड़क करेंगे। तो ये है अक्षर न। क्या है इसकी आवाज? न। न से नदी, न से नल, न से नयन, न से नट, न से नथ। क्या है ये? न। न को इस तरह से गोल बनाकर आड़ी लाइन लेंगे, फिर खड़ी लाइन लेंगे, फिर आड़ी लाइन लेंगे, न। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा अक्षर प। क्या है ये? प। प से पलंग, प से पतंग, प से पहिया, प से पपीता, प से पत्ता। इस अक्षर का नाम है प। इसको इस तरह से गोल बनाते हैं हाफ सर्कल, फिर ऊपर लेके फिर नीचे लाइन लेंगे, फिर ऊपर आड़ी लाइन, प। क्या है ये? प। उसके बाद देखेंगे हम फ। फ से फल, फ से फवारा, फ से फरसा, फ से फकीर, फ से फसल। यह है अक्षर फ। इसको इस तरह से हाफ सर्कल लेके नीचे लेंगे, फिर बीच में एक लाइन, फिर आड़ी लाइन। ये हो गया फ। ठीक है, इसके बाद एक और अक्षर देखेंगे हम ब। क्या है ये? ब। इस तरह से गोल बना के बीच में एक आड़ी लाइन, ब। ब से बतख, ब से बकरी, ब से बस, ब से बर्तन, ब से बरगद। यह है अक्षर ब। क्या है ये? ब। के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भ। क्या है ये? भ। इस तरह से उसकी शक्ल है। भ से भवन, भ से भट्टी, भ से भगोना, भ से भवानी, भ से भगत। यह है भ। तो इस तरह से आज हमने चार अक्षर देखे। न, ये न। इसके बाद प, फ, ब और भ। तो आप लोग भी इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।